चलिए, साउंड का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, बहुत खूब। संजय कुमार साहनी जुड़ गए हैं, संजय कुमार जुड़ गए हैं, एआईसी पूर्णिया मेरे साथ है। सभी लोगों का स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में। जो है ये क्लास आज लाइव रखी गई है। दीपाल वेरी गुड, सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। मीनाक्षी भी जुड़ गई है, नीतीश साहनी भी जुड़ गए हैं, बहुत कूल। मोहनलाल भी जुड़ गए हैं, राजीव कुमार मिश्रा भी जुड़ गए हैं, स्टडी अड्डा भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड, आप सभी का स्वागत है। तो जो आज का ये वीडियो है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेल सुरक्षा बल नियम के बारे में देखा था कि क्या कुछ उसमें कितने अध्याय हैं और कितनी उसमें अनुसूचियां हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने जिक्र किया था। और जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रेल सुरक्षा बल नियम के अध्याय एक के बारे में देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से है, जल्दी जल्दी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर और लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बना रहेगा, क्योंकि एक नई इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। काफी कुछ सीख रहा हूँ मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। बताइए कैसा लग रहा है यह लाइव क्लास, जब मैं लाइव आया हूँ तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या यह इनिशिएटिव अच्छा है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। नंद किशोर कथक भी जुड़ गए हैं, आप ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सर आपके बताए हुए विधि से आप ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा राजेश यादव जी, मेरी बताए विधि से आप ज्वाइन हो जाएंगे। आप पेटीएम या फोन पे के थ्रू हो, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जुड़ने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि जब हम लोग प्ले स्टोर जो है, प्ले स्टोर जहाँ से हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप को आपको रिचार्ज करना है किसके थ्रू, चाहे तो फोन पे से करिए या आप करिए किससे, पेटीएम से। फोन पे बहुत ही आसान है इसको यूज करने के लिए। फोन पे में यह है कि आप आसानी से जब फोन पे का अपना एप्लीकेशन खोलते हैं तो उस पे नीचे आपको गूगल प्ले को रिचार्ज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप उस गूगल प्ले पर जाइए, क्लिक करिए, वहां पर आप 199 का जो रिचार्ज है उस रिचार्ज को आप फोन पे में गूगल प्ले के पर क्लिक करके 199 से गूगल प्ले को रिचार्ज करिए। फिर आप जहां से ऐप डाउनलोड करते हैं उस ऐप के डाउनलोडिंग से, मतलब प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपका लेफ्ट साइड में जो है तीन बटन है, लेफ्ट साइड में तीन बटन है, उस तीन बटन को जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको कुछ सेटिंग्स आएंगे, उसमें पेमेंट का ऑप्शन देखिएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक रिडीम कोड का ऑप्शन आएगा। उस रिडीम कोड पर आप जाएंगे और वहां पर आप क्या करेंगे, कॉपी रिडीम कोड में वो फोन पे जो रिचार्ज किया है वहां जो एक कोड जनरेट हुआ है 16 डिजिट का, उसको पेस्ट करेंगे तो आपका जो है प्ले स्टोर रिचार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे। इस विधि को मैं क्लास के अंतिम में बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। अंत में मैं आपसे लाइव यहीं पर ज्वाइन करवाऊंगा आपको, आप आसानी से जुड़ जाएंगे। जिनको भी जुड़ने का मन है वो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि यह इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि इस इनिशिएटिव का फायदा मुझे बस इतना है कि मेरा 1000 का टारगेट है। आप सभी को मैं शुरू से बताता आया हूं और अभी भी बता रहा हूं कि मुझे ऑल ओवर इंडिया पर 1000 व्यक्तियों को जो है क्या कराना है, सेलेक्ट करवाना है। और ये मेरा एक क्या कहते हैं, मेरे लिए एक जो है यह गोल है, लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए मैं चल पड़ा हूँ। अब आप मेरा साथ देंगे तो मैं अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लूंगा। 32 आदमी ही जुड़े हैं अभी तक, और लोगों के पास वीडियो या शेयर करिए जल्दी से जल्दी, कम से कम 100 आदमी को जोड़िए ताकि मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मेरा जो ये सारा चीज है, सारा कार्य जो है वो आसानी से पूरा मैं कर सकूं। चलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक मिनट और लूंगा। 20:59 हो रहे हैं, मैं 21 बजे 9 बजे जो है मैं क्लास शुरू कर दूंगा। सुजय जय हिंद,
काफी दिन बाद आपकी कमेंट आई है, सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड, आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी। आप कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बाद जो है वैकेंसी जरूर आएगी। वैकेंसी जो है बहुत ही लगभग, मैं आपको यहाँ से लगभग बता सकता हूँ, एक्यूरेट नहीं बताऊंगा, 3000 के आसपास कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी और 300 के आसपास सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाएगी। एंड ऑफ द ईयर चल रहा है प्रोसेस सारे जगहों से और वो आपको मिल जाएगा, इस तरह से वैकेंसी आ जाएगी। बाकी कुछ चीज़ें डिपार्टमेंटल है जैसे कि आउट ऑफ सीक्रेट है, उन्हें नहीं बोला जा सकता है पब्लिकली, तो आप जो है एक तरह से इशारा समझिए, ठीक है। भानवरे वर्मा जी जय हिंद, पीयूष सिन्हा जय हिंद। पीयूष बहुत अच्छे कमेंट करते हैं वीडियोस पर, और यहाँ पर हनुमान प्रसाद मीना जी, इनसे मेरी बात भी हुई है, जय हिंद। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कुछ मैं भी आपके चक्कर में, मतलब आप लोगों के लिए जो है सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, मैं इसका जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मिनिस्ट्रियल का कब तक आ सकता है पीयूष भाई, सारे आ जाएंगे। अभी जो है हेड कांस्टेबल से एएसआई का जो है एग्जाम चल रहा है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है, अब जो है एएसआई से लेकर के जो 72 रूल का है उसी का नंबर है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। क्यों, ये जो मैं लाइव क्लास आया, ज्वाइन बटन आया, ये सारी चीज़ें जो है सब आप लोगों के लिए है, सब आप लोगों का प्यार है और आप ही लोगों के लिए है। मेरा बस इतना सा है कि पता नहीं मेरे अंदर वो उत्साह है कि मैं लोगों को हेल्प करता रहूं, पता नहीं अब क्या है, ये मेरे डीएनए में ऐसा है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरी तरफ से किसी ना किसी का मदद होता रहे। तो उसी इनिशिएटिव के तहत जो है आप अभी देख रहे हैं हमको इस लाइव क्लास के तहत, 40 आदमी जुड़ गए हैं करेंट, 41 जुड़ गए, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग शेयर करिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम, एकदम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, बस थोड़ा सा जो है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो है जो ऑनलाइन का प्रोसेस है उसमें देरी है। उस प्रोसेस का जैसे ही इनिशिएटिव पूरा हो जाएगा, आपको एग्जाम में तुरंत नोटिफिकेशन जो एग्जाम का डेट है उसको इशू कर दिया जाएगा। जय हिंद सर, 72 कब आएगा, अभी 70 का लास्ट एग्जाम है हेड कांस्टेबल से एएसआई का, इसके बाद जो है 72 का ही नंबर है, तैयार रहिए। अप्रोक्सीमेटली लमसम बता दे तो दिसंबर में आप एग्जाम में बैठे होंगे, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है सफल होएंगे। हम लोग एहसान मंद रहेंगे, नहीं भाई एहसान मंद नहीं रहना है, एहसान मंद तो मैं हूँ क्योंकि आपके चक्कर में मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, और धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि मुझ पर इतना भरोसा करते हैं आप, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। वेरी गुड, जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए 48 मेंबर जुड़ गए हैं, और देखते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी जुड़िए। जय हिंद सर, अखिलेश कुमार यादव जय हिंद सर जी, प्लीज टेल मी व्हाट इज लाइव क्लास, व्हाट इज लाइव क्लास, वीडियो का टाइमिंग क्या। आपको सबसे पहले तो अखिलेश जी, आप ज्वाइन नहीं हुए हैं मेरे साथ, मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं मैसेज करता हूं पहले, लाइव क्लास से पहले, इस लाइव क्लास का भी मैसेज किया गया था लेकिन मैं आज पब्लिकली इसे सभी के लिए खोल दिया लाइव क्लास, वैसे जो मेंबर हैं चैनल के उनके लिए खोला गया था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं आज सभी को दिया जाए ये मौका, ताकि आप इस इनिशिएटिव से जो है वाकिफ हो जाए, और इस इनिशिएटिव से वाकिफ होने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़िए। आप जो सारी वीडियो जो रेगुलर शेड्यूल में आती थी वो भी आएंगी, साथ ही साथ ये कुछ जो है जो मेंबर जुड़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर है, वो जो मेंबर यहाँ जुड़ जाएंगे वो सारे इस मेरे साथ जैसे जैसे जुड़ेंगे मेरा उत्साह बढ़ता जाएगा, और आपका वादा करता हूं कि सारा काम मतलब हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पार्ट टू ई बुक कब आएगा, ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें जो ई बुक मैं आपको निकालता वो सारे ई बुक का सारी चीजें इसी पर चलेंगी, आप इस पर जुड़ जाइए चैनल पर, क्योंकि पार्ट टू में जो निकालना था मुझे आरपीएफ रूल निकालना था, और आप देख रहे होंगे कि आपके लिए रेल सुरक्षा बल नियम से ही मैंने शुरू किया है,
तो रेल सुरक्षा बल नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग माइनर एक्ट पढ़ेंगे, जो आपका आई सीआरपीसी और आई इंडियन एविडेंस एक्ट का वीडियो है वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो शेड्यूल के साथ ओपनली मिलता रहेगा, लेकिन जो ये पार्ट टू वाला जो आप ई बुक बोल रहे हैं उनका सारा चीज जो है वर्मा जी इस पर ही मिल जाएगा आपको लाइव क्लास के थ्रू। चलिए जितने भी लोग जुड़ गए हैं अब मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी समय कीमती है और आपका भी समय कीमती है। जो भी लोग ये आरपीएफ की न्यू वैकेंसी पूछ रहे हैं काइंडली उनसे अनुरोध है कि इस क्लास को चलने दें, क्योंकि आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो एंड ऑफ ईयर आएगी, और आपको आरपीएफ की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल जो एआईसी पूर्णिया के नाम से है, जिसे मैंने आपको बताया भी था, आप वहां जाकर के जुड़ जाइए ताकि आप वहां पर जो सारी तैयारियां कर सकते हैं। चलिए अब मैं डिस्कशन बंद करता हूं, अब मैं मुद्दे पर आता हूं अपने इस वीडियो पे। 55 लोग जुड़ गए हैं, सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम जो है 1987 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या रेल सुरक्षा बल नियम में क्या लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय एक के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय एक जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैप्टर वन जो है वो है, इसमें रूल एक है वो प्रारंभिक, मतलब कि कोई भी किताब अगर शुरू होता है तो उसको क्या करते हैं उसमें प्रस्तावना होती है। तो उसी प्रकार से जो है इस नियम का क्या क्या चीज है, इस नियम में इस नियम को क्या कहा जाएगा, कहाँ पर यह लागू होगा, किन पर लागू होगा, इन सब चीजों को बताता है प्रीमिलरी जो प्रारंभिक है। तो रूल एक में क्या है प्रारंभिक है। अध्याय एक में दो धाराएं हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, धारा एक और धारा दो। धारा एक में प्रारंभिक जो प्रीमिलरी है इस नियम के बारे में उसके बारे में बताया गया है, और जो रूल रूल टू है उस रूल टू में डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, जय हिंद सभी को जय हिंद। तो पहला जो नियम एक है, नियम एक में तीन क्लॉज है, एक का दो एक का तीन, आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। जो ये पहला क्लॉज है वो यह कहता है कि दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987। इस नियम को रेल सुरक्षा बल नियम 1987 कहा जा सकता है या कहा जाएगा, ठीक है। दे शैल कम इन टू फोर्स ऑन डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटी, मतलब कि अब इनको फोर्स में आना, मतलब कि कोई भी नियम है तो उस नियम को क्या होगा वो लागू होगा। उस नियम को लागू करने के लिए जो भी चीज है ये बोल रहा है कि जब यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ जिस तारीख को उसी तारीख से यह इनफोर्स में आ गया है, मतलब लागू हो गया है। जो क्लॉज वन का तीन है इसमें कहता है कि ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो अधिनियम के अधीन है, मतलब कि आज के डेट में मैं आरपीएफ में हूं और हो सकता है कि मैं प्रतिनियुक्ति पर दैट मीन्स डेपुटेशन पर सीबीआई में चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, तो क्या होगा ये नियम हमारे ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होंगे। कहता क्या है ये नियम जो है उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो अधिनियम के अधीन है, बशर्ते कि 83 से लेकर के 86 के प्रावधान जो प्रतिनियुक्ति पर है उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी और अन्य नामांकित सदस्य अनुबंध पर नियुक्ति अधिकारी पर लागू नहीं होंगे। सिंपली यह बता दिया है कि सारे लोग जो फोर्स मेंबर हैं उन पर यह लागू होगा, लेकिन अगर हम डेपुटेशन पर चले जाते हैं प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं जो नियम 83 से 86 है, आगे के अध्याय में हम इसके बारे में देखेंगे, तो उस पर अगर हम चले जाते हैं तो हमारे ऊपर जो है यह नियम लागू नहीं होगा। तो क्या होगा तो उसमें है जो अपने स्वयं के नियमों और प्रतिनियुक्ति की शर्तों या शासन के नियमों के अनुसार जारी रहेंगे उनके अनुबंध की शर्तों से हो सकता है। तो सिंपली आप शब्द देखिए कि प्रतिनियुक्ति पर जो है इनका जो है ये वाला रूल लागू नहीं होगा,
बाकी सभी लोगों पर यह लागू होगा। तो ये हम लोगों ने देखा क्या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल वन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं रूल टू पर। रूल टू है चैप्टर वन का। रूल टू क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको परिभाषाएं, मतलब कि इस नियम में बहुत सारे शब्द हैं जो आगे नियम में उपयोग किए जाएंगे। तो परिभाषा का मतलब क्या होता है, परिभाषा का मतलब होता है कि एक शब्द है उस शब्द को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। जैसे कि कहा जाता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि अनेक शब्दों से एक शब्द, जैसे चतुराई, ठीक है, चतुराई शब्द को डिफाइन अगर हम करें तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितनी बखूबीता से, मतलब कितनी अच्छाई से, कितनी सटीकता से करता है वह उस चतुराई कहलाएगा। तो ये चतुराई वर्ड के लिए इतना बड़ा डिफिनेशन है, लेकिन शब्द एक ही है, तो जहां पर भी हमें इतना बड़ा लाइन लिखना होगा वहां उसके बदले हम एक शब्द चतुराई लिख देंगे। तो उसी तरीके से रूल दो जो है वो डेफिनेशन को बता रहा है, और रूल टू के फर्स्ट में जो है, रूल टू के ए में जो है एक्ट को परिभाषित किया गया है। किसको किया गया है, एक्ट, एक्ट मीन्स अधिनियम। तो अधिनियम किसको कहा गया है, एक्ट मीन्स द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, मतलब कि यहाँ अधिनियम से मतलब है रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957, मतलब कि रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 को ही अधिनियम कहा गया है। इसके बाद जो है दूसरा है टू का बी। टू के बी में यह बताया गया है, क्या बताया गया है, साज सज्जा के बारे में। क्या है, फोर्स मेंबर हैं हम लोग और हम अपने साज सज्जा को रखते हैं, मतलब यूनिफॉर्म को जो पहनते हैं वो डेकोरेटेड होता है, तो वो सब चीजें, वो सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि साज सज्जा का अर्थ यह है कि समय समय पर डीजी महोदय, महानिदेशक द्वारा अनुमोदित उपकरण और ट्रैपिंग के व्यक्तिगत लेख जो उनके उपयोग के लिए बल के सदस्यों को जारी किए जाते हैं। सीधा सा बात है, हम क्या लगाते हैं, इनसाइन लगाते हैं, आरपीएफ शोल्डर बैच लगाते हैं, इन सब सारी चीजों को हम लगाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे साज सज्जा का समान है, ये हमारे साज सज्जा का समान है, और ये हमें परिभाषित है किसमें, रूल दो के बी में। तो सवाल सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो 70 हो, 72 हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में हो, तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि किस नियम में जो है साज सज्जा परिभाषित है, तो उत्तर होगा रूल दो के बी में, मतलब रूल टू के बी में जो है साज सज्जा परिभाषित है। इसके बाद जो है एक सब रूल जोड़ा गया टू बी ए, जिसमें एनेक्चर वर्ड जोड़ा गया, अनुलग्नक। तो अनुलग्नक का अर्थ है इन नियमों के लिए अनुलग्न किया गया एक अनुलग्नक। अब ये अनुलग्नक जो है ये आपको दिखेगा कहाँ, ये अनुलग्नक जो है कल आपको जो वीडियो मैंने दिया था, फर्स्ट वीडियो इसका लेक्चर वन जो था आरपीएफ रूल का, उसमें आपने देखा था इसको कि सबसे लास्ट में एक एनेक्चर दिया हुआ था, वो एनेक्चर उसी तरीके से है, मतलब कि कोई भी कार्य करने के लिए जो एनेक्चर डिपार्टमेंट इशू करेगी उसको हम लोग अनुलग्नक कहेंगे। अब आइए दो के सी में क्या है, दो के सी में बटालियन को परिभाषित किया गया है। बटालियन का अर्थ है कि महानिदेशक द्वारा बटालियन के रूप में गठित बल की एक इकाई। सिंपली आपको बता दें डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता दूं कि ये महत्वपूर्ण है, आप पेन पेपर में जरूर उस अधिनियम का, उस धारा को, उस नियम को जरूर लिख लीजिएगा, सवाल आपके वहीं से कहीं ना कहीं बनेंगे। तो इस स्लाइड में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टू का ए जो अधिनियम है, इसे आप चौक डाउन, राइट डाउन, जो भी है आप उसे लिख लीजिए। यह मेरी तरफ से ये वीवीआई है, अगर सवाल इससे बनेंगे तो ये बन सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे के अधिनियम में क्या लिखा हुआ है। आगे के जो है, आगे नियम में लिखा है, अब हम लोग आते हैं टू सी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बटालियन के बारे में। अब है टू डी में क्या परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर को, मतलब प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त। आप यहां देखेंगे एक स्टार मार्क लगा हुआ है, इस स्टार मार्क का मतलब यह है, क्या मतलब है इसका,
इस स्टार मार्क का मतलब यह है कि पहले जो है हम लोग जानते थे कि ये मुख्य सुरक्षा आयुक्त होता था। क्या होता था? मुख्य सुरक्षा आयुक्त। लेकिन उसे जो है अभी अमेंड कर दिया गया है, संशोधित करके क्या कर दिया गया है, मुख्य सुरक्षा आयुक्त को प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त बना दिया गया है। और ये जो है आपको प्रिंसिपल वर्ड जोड़ा गया है GSR 140E डेटेड 2 फरवरी 2018, मतलब कि 2018 से जो है मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त का मतलब क्या है। मतलब यह है दोस्तों कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त का अर्थ एक अधिकारी होता है जो जो महानिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होता, जो जोनल रेलवे में फोर्स का प्रमुख होता है या एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसे महानिदेशक के मुख्यालय में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य के गठन में दबाव। यहाँ सिंपल आप इंग्लिश को देखें क्योंकि थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन इसमें मिस आउट हो गया है। कहता है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर मींस एन ऑफिसर। ये क्या है? एक ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। मतलब कभी भी जो है PCSC DIG रैंक से नीचे का नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली भी इसे देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द फोर्स इन जोनल रेलवे, जो कि जोनल रेलवे पर क्या होगा, बल का मुखिया होगा। और अ सुपीरियर ऑफिसर सो अपॉइंटेड इन द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल और इन एनी अदर फॉर्मेशन ऑफ द फोर्स, जो कि डायरेक्टर जनरल के हेडक्वार्टर के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पर से एक सवाल आपसे बन सकता है इस क्लॉज से, या पूछा भी गया है कि जोनल रेलवे पर बल का जो है अधिकारी मुख्य कौन होता है, बल का प्रधान कौन होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों PCSC। वेरी गुड, PCSC। कमेंट करके आप लोग बताएं अगर आप मेरी ये सवाल सुन रहे हैं तो जोनल लेवल पर जो है कौन प्रमुख होता है। तो उत्तर क्या है? प्रकाश नारायण, जय हिंद। तो PCSC जो है वो इस पर आ जाता है कि इसका उत्तर होगा PCSC। अब आते हैं 2E में, ये है क्लोज्ड अरेस्ट, बंद गिरफ्तारी। बंद गिरफ्तारी का अर्थ है बल के भीतर बल के किसी नामांकित सदस्य का बंदोबस्त या बल की टुकड़ी या चौकी के प्रभारी के तहत पोस्ट या गार्ड भवन में बंदी बना करके रखना या उसे वहां पर रखना। सिंपल सा है, क्लोज्ड अरेस्ट मतलब कोई क्लोज प्लेस होगा, कोई क्लोज प्लेस होगा। क्लोज प्लेस क्या है? चाहे वो तो बैरक में रख दे, किसी तंबू में रख दे, किसी भवन में रख दे या गार्ड में रख दे। तो यही कहा गया है, क्लोज अरेस्ट मींस कन्फाइनमेंट ऑफ एनी इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द फोर्स और अ डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स और अ पोस्ट गार्ड पोस्ट क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग और टेंट अंडर चार्ज ऑफ अ गार्ड। मतलब क्या है कि कन्फाइनमेंट में रखना ही क्लोज अरेस्ट है, उसे चाहे भवन में रखिए, क्वार्टर गार्ड में रखिए या टेंट के अंदर रखिए और उसके आगे जो है एक संतरी लगा दीजिए। तो इस स्लाइड में जो है दोनों की दोनों जो नियम है वो काफी महत्वपूर्ण है, दोनों से सवाल बनेंगे। वीडियो जो है अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में इसी स्लाइड से संबंधित जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल भी रखा गया है, जिससे कि आप उसके बारे में इस स्लाइड से जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका पूरा जो है ज्ञान कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगला जो है 2F जो है नियम 2 के 4 में जो है, या 2 का F कहिए, वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, COI जिसको कहते हैं, जांच न्यायालय। मींस क्या है? अ कोर्ट परसिस्ट ओवर by any member of the force not below the rank of an inspector and constituted to investigate into any disciplinary matter or any other matter specified in the rule 265। यहाँ से दो सवाल बनेंगे आपके। सबसे पहला यह पूछा जाएगा कि जांच न्यायालय किस नियम में वर्णित है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो 2KF में वर्णित है। सीधा सीधा फिर सवाल पूछेगा कि जांच न्यायालय का गठन किस नियम के तहत होता है, तो नियम 265 के तहत जो है जांच न्यायालय का गठन होता है। और जांच न्यायालय क्या है? न्यायालय मतलब किसी प्रकार का न्याय देगी
और जांच करेगी तभी तो न्याय देगी। और जांच किस चीज का करेगी भाई, तो किसी भी प्रकार का जो है क्या होगा, कोई भी डिसिप्लिनरी अनुशासनिक कार्यवाही जो कर रहे हैं उसके लिए जांच जो करेगा दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। और इसमें ये कहा गया है कि ये इसमें जो अदालत में जो अधिकारी होगा वो इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं होगा। तो एक टेक्निकल पॉइंट ये यहाँ निकलता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इंस्पेक्टर पद के नीचे का जो है अधिकारी इसमें नहीं रहेगा, लेकिन विशिष्ट तौर पर कभी कदार जो है विशिष्ट लोगों को लिया जाता है इसमें। जैसे अब कोई कोर्ट का मैटर है तो उस कोर्ट के मैटर में क्या है, जो भी कोर्ट का एनजीओ है उसको उस मेंबर में रखा जाता है। तो ये तो एक्सेप्शनल वाली बात है, ये हम लोगों ने देखा रूल 2 के एफ के बारे में। 2 का जी जो है वो है डिटैचमेंट के बारे में, टुकड़ी के बारे में। तो टुकड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम जान लेते हैं यहाँ फोर्स के संबंध में टुकड़ी क्या है, मुख्यालय से दूर जो हम ड्यूटी पर भेजते हैं आवश्यक फोर्स को उसके एक हिस्से को टुकड़ी कहा जाता है, मतलब बटालियन का एक छोटा सा पार्ट जो होगा, बटालियन का एक छोटा सा पार्ट जो होगा उसे हम टुकड़ी कहेंगे। अब जो है 2 का एच जो है उसमें है डायरेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टिव जो है डीजी महोदय निकाला करते हैं हमेशा समय समय पर। तो 2 के एच में जो है डायरेक्टिव बताया गया है। अब निर्देश का अर्थ क्या है, नियम 28 के तहत महानिदेशक द्वारा जारी निर्देश, मतलब यहीं से आपको डेराइव होता है कि जो डायरेक्टिव है वो कहां से इम्पावर करता है, किस नियम के तहत जो है महानिदेशक को इम्पावर करता है, सवाल बनेगा, इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो जो है इम्पावर किस नियम के तहत करता है, नियम 28 के तहत महानिदेशक को जो है यह पावर हो जाता है कि वो डायरेक्टिव निदेश को जो है निकाले। अब आते हैं हम 2 के आई में, इसमें डिवीजन मतलब मंडल के बारे में बताया गया है। मंडल का अर्थ है रेलवे का एक हिस्सा जिसे केंद्र सरकार या महानिदेशक द्वारा सुरक्षा उद्देश्य के लिए विभाजित कर या विभाजन घोषित किया गया है, मतलब कि क्या होता है जब बड़े हिस्से, इतना बड़ा हिस्सा है मान लीजिए उसको सुरक्षा देना है तो उसको क्या करेंगे हम, उसको पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, मंडल क्या है, छोटा छोटा पार्ट बांट लिया गया है महानिदेशक और केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक नियमित तरीके से जो बांट दिया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा 2 के आई तक में। चलिए अब यहाँ तक, अब जितने लोगों को अगर समझ में आ रहा है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और अपने कमेंट रख सकते हैं। सारे लोगों का बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं और आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आगे की धारा को देखते हैं, आगे के नियम में अगर चले तो अगला नियम है 2J। 2J में आप आएंगे, 2 आई में हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन को, मंडल को गठित किया। तो अब उस मंडल को हम गठित करेंगे तो क्या करेंगे हम, उस मंडल को चलाने वाला कोई अधिकारी तो रखेंगे, तो वो 2J के तहत डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर होता है, मंडल सुरक्षा आयुक्त का अर्थ है एक अधिकारी, ना कि एक कमांडेंट के पद से नीचे हो वो, जो एक डिवीजन में या रेलवे स्थापना में या रेलवे से जुड़े किसी अन्य स्थान पर फोर्स का प्रमुख होता है, मतलब डिवीजन का जो प्रमुख है उसे डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर कहेंगे। और डिवीजन का जो प्रमुख है उसे तो हम DRM कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का जो प्रमुख होगा डिवीजन का वो कौन होंगे, वो होंगे डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ये 2J नियम में परिभाषित है। अब आते हैं 2K में, विद्यमान रेल नियम एक्सटेंट रेलवे रूल। तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट रूल है, रेलवे जनरल रूल है और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है, इंडियन रेलवे कोड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे कोड फॉर स्टोर डिपार्टमेंट है, तो ये सारी चीजें जो भी हैं, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 है, जो ये सब रेलवे सर्वेंट के लिए जितने भी रूल बने हैं वो सारे एक्सटेंट रेलवे रूल कहलाते हैं और वो 2K में डिफाइन है, के में, ठीक है। लेकिन आपको बता दें ये सवाल संभवतः नहीं पूछा जाएगा मेरी तरफ से, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे आसानी से बस एक बार गो थ्रू कर लें, अगर गलती से कहीं पूछ ले तो आप इसे हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे अंतिम में बताऊंगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 2L में आइए, 2L में क्या है, ओपन अरेस्ट, खुली गिरफ्तारी। इससे पहले हम लोगों ने बंद गिरफ्तारी
पढ़ा। बंद गिरफ्तारी में क्या है, क्वार्टर गार्ड किसी भवन तंबू में बंद कर दे किसी को, वो हो गया बंद गिरफ्तारी। लेकिन खुली गिरफ्तारी किसे कहेंगे, खुली गिरफ्तारी कहेंगे हम जैसे कि हम ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं। सिंपल उदाहरण है ट्रेनिंग सेंटर में, या नहीं तो बैरक में रहते हैं, सुबह शाम रोल कॉल होता है बैरक में, लाइन में, शिविर में, जहां पर भी है, ये क्या है, एक तरह से खुली गिरफ्तारी है। हम लोग जो है ओपन अरेस्ट में रहते हैं, जैसे जो भी बैरक में रहते हैं उन्हें एक तरह से माना जाएगा वो ओपन अरेस्ट में है। तो ये 2L में जो है ओपन अरेस्ट परिभाषित है। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ कमेंट करिए। और जो भी लोग ये लिख रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है सर, वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको यहीं से गाइड करूँगा, आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें करेंगे या कहीं पर आप लिख लीजिएगा पेपर में, तो हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मैनुअल? रूल्स और मैनुअल में डिफरेंस एकदम सिंपल सा डिफरेंस आपको बता दें, नियम जो है, नियम बनाए गए हैं किससे, आरपीएफ एक्ट जो है उसकी धारा, अंतिम जो धारा है, कितनी धारा है, धारा 21 की तहत जो है इस नियम को बनाया गया है। और जो मैनुअल है उस मैनुअल को का मैनुअल जो है डीजी महोदय के आदेश से बना है, वो एक तरह से निर्देशिका है आपके लिए। मैनुअल एक तरह से निर्देशिका है कि बल में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी चीजों को इकट्ठा करके मैनुअल में रख दिया गया है। खुली गिरफ्तारी किस समय होती है? समय नहीं, इसका कोई समय नहीं डिफाइन है दोस्तों। खुली गिरफ्तारी का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कि आप जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो रहते हैं वो एक तरह से ओपन अरेस्ट है, और जो है खुली गिरफ्तारी कोई पनिशमेंट नहीं है जो कि इसको किस समय लागू किया जाए। हाँ, क्लोज्ड अरेस्ट जो है, बंद गिरफ्तारी पनिशमेंट है, इसे क्या है, इसे लागू किया जाता है। मोहनलाल जी नो डाउट, वेरी गुड, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और अच्छे तरीके से पास हो जाएं। चलिए जल्द से जल्द वीडियो को शेयर भी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और रुक लेते हैं, ठीक है, चलिए आगे के नियम को देखते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया खुली गिरफ्तारी तो आगे देखते हैं। अगला जो नियम है वो है 2M, जिसमें पोस्ट, जैसे कि हम बोलते हैं रेल सुरक्षा बल पोस्ट, यानी कि चौकी एक तरह से कह सकते हैं। तो पोस्ट मींस एनी यूनिट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर टू बी अ पोस्ट एंड इंक्लूडेड एनी रेलवे एरिया स्पेसिफाइड बाय द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर इन दिस बिहाफ। प्रैक्टिकली आपको बताएं तो आप यह देखे होंगे कि कभी पोस्ट टूट करके दो भाग में बढ़ जाता है, मतलब एक पोस्ट का दो ज्यूरिडिक्शन बना दिया जाता है, और कभी दो ज्यूरिडिक्शन को मिला करके एक पोस्ट बना दिया जाता है, मर्जर ऑफ पोस्ट उसको बोलते हैं। तो ये डिसीजन कौन लेता है, पीसीएससी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज कहा गया है कि जो पीसीएससी है, चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है, वो जो है किसी को भी कोई यूनिट प्लेस जिसको डिक्लेयर कर देंगे पोस्ट, वही जो है पोस्ट कहलाता है। तो एक तरह से कहिए आरपीएफ पोस्ट जो है, जिसे चौकी कहते हैं, उसे वो किसमें डिवाइन है, वो डिवाइन है 2M में। मैं हिंदी मीडियम से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसे आप इंग्लिश में याद कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब कखा गागा तो हम लोग भूल चुके हैं, लमसम बहुत कम लोगों को याद होगा, तो इसलिए वहां पर आप फंस जाएंगे, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन आ जाएगा। आप भी इंग्लिश में ही ABCD वाला जो पोर्शन है उसे याद कर लीजिएगा। ये M जो है 2M इम्पोर्टेंट है नियम। नियम 2N में जो है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, रेलवे स्थापना के बारे में बताया गया है। अब स्थापना क्या, रेलवे के लिए जो रोलिंग स्टॉक का अनुसंधान है, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण या उत्पादन जो है, ये एक तरह से ये सारी जो इकाइयां हैं इसे हम लोग कहेंगे रेलवे स्थापना, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। तो ये हो गया आपका 2N में डिफाइंड है।
2O में जो है आरपीएफ स्टाफ काउंसिल डिफाइन है, आरपीएफ कर्मचारी परिषद इसका है नियम 111(3) के अनुसार गठित फोर्स का स्टाफ काउंसिल जो है आरपीएफ कर्मचारी परिषद कहलाता है। आप यहां पर डाउट में नहीं रहिएगा और सोच में नहीं पड़िएगा कि नियम 111(3) क्या है, कुछ नहीं, आप सिर्फ ये जानिए नियम 111(3) के तहत जो है गठित फोर्स वो स्टाफ काउंसिल कहलाएगा। बस यहाँ पर आपको इतना ही देखना है, जब नियम 111 पढ़ेंगे हम लोग उस समय आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। किसी का डाउट है क्या है सर, स्क्रीन क्लीन नहीं सी हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन क्लीन अब शो होना चाहिए क्लीन आपको। चलिए, आज पहला क्लास है, कोशिश इतनी है कि जिस तरीके से है आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ बाद में जो जब यह लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगा तो अपलोड में हो जाएगा ये वीडियो, तो उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए, तो अगली जो है अगला नियम है धारा 2 के पी में क्या है, सेक्शन के बारे में बताया गया है। दैट मीन्स धारा का अर्थ है अधिनियम का एक भाग है। अब ये अधिनियम यहाँ क्या है, यहाँ वही रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 आरपीएफ एक्ट 1957 जो है एज अमेंडेड। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आरपीएफ एक्ट में अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो जो आरपीएफ एक्ट में जो धारा है उसी को सेक्शन कहेंगे, यहाँ कहने का मतलब यही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला, धारा के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब 2 के क्यू में जाते हैं। 2 के क्यू में देखते हैं, रूल 2 के क्यू में दिया है शेड्यूल अनुसूची, मींस अ शेड्यूल एनेक्स्ड टू दीज रूल्स, मतलब कि जो अनुसूची जो हमने देखा है कल के वीडियो में देखा था हमने कि जो अध्याय 21 है और अनुसूचियां जो दी गई हैं उन्हीं अनुसूचियों को जो है शेड्यूल कहा गया है यहाँ पर, जो 2 के क्यू में परिभाषित है। 2 का आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रूल 2 का आर सिक्योरिटी कोड सुरक्षा न्यायालय, नियम 30 के तहत एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निवेश इन्वेस्टेड विथ द पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट अंडर रूल 30, मतलब कि एक ऐसा कोर्ट जो नियम 30 के तहत गठित होता है और उसके पास मजिस्ट्रियल पावर होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी कोर्ट सुरक्षा न्यायालय। यहाँ जो है निवेश नहीं होगा, यहाँ अन्वेषण होगा, जांच होगा। ठीक है, अब आपको आइए 2003, बहुत अच्छा कमेंट किया है कुछ लोगों ने, 2003 में आरपीएफ एक्ट अमेंड हुआ है। जीएस मीना वेरी गुड, उत्तम कुमार वेरी गुड, वेंकटेश सी वेरी गुड, पीयूष वेरी गुड, आप नीचे आए, आतिश महेश्वरी वेरी गुड, राजेश यादव वेरी गुड, मंगलेश यादव वेरी गुड, मोहन लाल सरन वेरी गुड, बहुत अच्छी है आप लोगों की तैयारी। अभिषेक भी 2003 लागू हुआ 1/7/2004, बहुत सुंदर अभिषेक, आपने एक पॉइंट और क्लियर कर दिया सभी लोगों का, बहुत सुंदर। चलिए देखते हैं आगे जो है कौन सी धारा, हम लोग नियम पढ़ रहे थे, नियम 2 के आर इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी कोर्ट में। उसके बाद देखिए 2 का है सुपीरियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी को डिफाइन करता है। वरिष्ठ अधिकारी का मतलब है धारा 4 के तहत बल में नियुक्त किसी भी अधिकारी। अब ये धारा 4 किसमें, आरपीएफ एक्ट में जो धारा 4 है उसके तहत जो भी नियुक्त हुए अधिकारी वो जो है क्या है, वरिष्ठ अधिकारी कहलाएंगे। तो हम लोगों ने 2 का एस तक देखा, बस अब हम लोग कुछ और जो नियम है इसमें उसके बाद जो है यह खत्म हो जाएगा। 2 का टी जो है वो जोनल रेलवे को बताता है, देखिएगा डिवीजन पहले था, जोन बाद में है। जब भी सवाल पूछा जाएगा, देखिए इसी तरह का विजुअलाइजेशन कर लेना है कि जब हमने नियम पढ़ा था तो डिवीजन पहले आया था, उसके बाद जो है जोन की परिभाषा आई थी। तो जब भी ऑप्शन रहेगा तो आपको याद रखना है कि जो उसमें बाद वाला होगा उसी अनुसार वो कम से कम जुड़ेगा, क्योंकि हम लास्ट में पढ़ रहे हैं जोन को। तो जो नियम 2 के टी में जो है जोनल रेलवे को परिभाषित किया गया है, मींस अ पोर्शन ऑफ रेलवे डिक्लेयर्ड एज जोनल रेलवे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटिंग, मतलब ऑफिशियल जो है अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार जिसे जोनल रेलवे डिक्लेयर कर देती है तो वो क्या होगा, उसे जोनल रेलवे कहा जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा क्या जोनल रेलवे के बारे में।
बाकी अब अंतिम में यह कहता है कि अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियों का उपयोग यहाँ किया गया है, लेकिन परिभाषित या अधिनियम या भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 में परिभाषित नहीं है। अधिनियम या भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 में उन्हें निर्दिष्ट अर्थ होंगे। मतलब कि यहाँ पर जो चीज डिफाइन कर दिया गया है, यहाँ पर जो चीज डिफाइन कर दिया गया है उसे ही हम लोग आरपीएफ एक्ट में जो है, आरपीएफ एक्ट के तहत जो है, अगर वहां पर वो चीज डिफाइन नहीं है तो हम उन्हें इसी अधिनियम, इस नियम के तहत ही डिफाइन मानेंगे। वेरी गुड देवीचरण, देवीचरण गुड इवनिंग, वेरी गुड, गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोगों ने जो है अध्याय एक को यहाँ पर खत्म कर लिया है। अध्याय एक हमारा जो है वो समाप्त हो गया है। चलिए और कुछ लोगों का अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अनूप प्रसाद राय, रूल 2P आईपीसी 50, वेरी गुड, बहुत अच्छा, याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, कनेक्टिंग सही किया आपने। आईपीसी की धारा 50 में भी सेक्शन परिभाषित है और यहाँ पर भी 2P में जो है सेक्शन परिभाषित है। यूपीएससी से जो लोग आते हैं वरिष्ठ अधिकारी, सवाल क्या है पीयूष सिन्हा जी, आप फिर से रिपीट करें। सर 2E में सुपीरियर ऑफिसर, आरपीयूपी एक्ट, वेरी गुड। आप सभी को सबको पता है, मुझे मालूम है आप सब पता कर रखे हैं। आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें, अभी रूल की तहत रूल पर कंसंट्रेशन रखें, रूल पर कंसंट्रेट रहे आप सारे लोग अभी। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, पूरे रूल को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तैयार हो जाइए सवाल के लिए। मैं यहाँ पर एक सवाल दूंगा और उस सवाल का जो है आपको उत्तर यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन उत्तर आपको यहाँ दिख जाएगा क्योंकि स्लाइड में मैंने उत्तर जो है हाइड नहीं किया है, ये उत्तर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, पहला सवाल जो है, इन विच रूल डिफाइंस क्लोज अरेस्ट, मतलब कि बंद गिरफ्तारी जो है किस नियम में परिभाषित है। क्लोज अरेस्ट 2B, 2C, 2D या 2E में, सही उत्तर है दोस्तों रूल 2E में जो है क्या बंद गिरफ्तारी परिभाषित है। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है, दूसरा सवाल है यहाँ पर, इन विच रूल डिफाइंस प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त किस नियम में परिभाषित है। तो PCSC जो है वो धारा 2 के D में परिभाषित है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है, इन विच रूल डिफाइंस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, किस नियम में जांच न्यायालय परिभाषित है। क्या ये नियम 2 के D में है, 2 के E में है, 2 के F में है, 2 के G में है। सही उत्तर इसका दोस्तों 2 के F में जो है क्या है, यह डिफाइन है। वेरी गुड, सभी लोगों का कमेंट बहुत अच्छा, पंकज कुमार बहुत अच्छे, मंगलेश बहुत अच्छे, राजेश यादव बहुत अच्छे, राजेश यादव आंसर था सर आपने पूछा था वरिष्ठ अधिकारी के बारे में, वेरी गुड वरिष्ठ अधिकारी, वेरी गुड बहुत अच्छे पीयूष सिन्हा जी, बहुत अच्छे। यहाँ 2 का F, बहुत अच्छा। किसी का कुछ कमेंट आया है, मैं मोबाइल में देख लूं कोई कमेंट है। सर वी कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग गूगल पे, दीपक गूगल पे का तो ऑप्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन आप फोन पे से जुड़ सकते हैं। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो इस वीडियो के बस 2-4 सवाल के बाद मैं उसी प्रोसेस को बताऊंगा, आप उस प्रोसेस को लिख लीजिएगा और आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सर मैनुअल से भी क्वेश्चन आएगा, कुमार रूपक सवाल पूछ रहे हैं, मैनुअल से सवाल तो आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी डायरेक्टिव है वही मैनुअल में लिखा गया है, तो आप डायरेक्टिव वाला जो मेरा वीडियो है मैंने अपलोड कर रखा है आप उसको देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट मैंने कवर कर रखे हैं रूपक जी। उसके बाद जो है बाकी सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा गोपीनाथ, वेरी गुड। चलिए अब अगला सवाल देख लें, आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इन विच रूल डिफाइन सिक्योरिटी कोड, सुरक्षा न्यायालय किस नियम में परिभाषित है। सिक्योरिटी कोड जो है वो
किस नियम में परिभाषित है, जल्दी जल्दी जवाब दें, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करें सिक्योरिटी कोड के बारे में। सिक्योरिटी कोड सुजय 2F पिछला आंसर है, पिछले सवाल का आंसर है, इस सवाल का बताएं सिक्योरिटी कोड किसमें डिफाइन है, परिभाषित है 2F। वेरी गुड, सिक्योरिटी कोड जो है 2F नहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है 2F, सिक्योरिटी कोड डिफाइन है 2KR में जो है, सिक्योरिटी कोड डिफाइन है, सिक्योरिटी कोड जो है 2KR में डिफाइन है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, पांचवा सवाल, ओपन अरेस्ट खुली गिरफ्तारी किस नियम में परिभाषित है, खुली गिरफ्तारी किस नियम में परिभाषित है। वेरी गुड मिथिलेश, वेरी गुड गोपीनाथ, वेरी गुड राजीव कुमार मिश्रा, लाइक कर दो सभी भाइयों, वेरी गुड, थैंक यू मिश्रा जी। अश्वनी कुमार 2R, वेरी गुड। भनवारे वर्मा 2R, वेरी गुड। धीरज सिंह 2R, वेरी गुड। गोपीनाथ 2R, वेरी गुड। अगले लास्ट सवाल जो है उसका जवाब दीजिए, लास्ट ओपन अरेस्ट को 2L, वेरी गुड। सबसे पहले अनिल सरोज, भगवत शाह, अरुण यादव, वेंकटेश सिंह, मोहनलाल, पीयूष सिन्हा, सतीश प्रसाद, छत्रपाल सिंह, वेरी गुड। सारे लोगों का सही जवाब देवी चरण, वेरी गुड देवी चरण, वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड अनूप राय, वेरी गुड जितेंद्र कुमार, वेरी गुड अतीश कुमार, वेरी गुड। आप लोग अगर जो है चलते चलते यहाँ कमेंट कर सकते हैं, सुपर चैट का भी एक ऑप्शन है, ठीक है, आप अपने सुपर चैट से भी सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वो सुपर चैट का भी ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है। तो मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं सारी चीज़ें जो है आपके लिए कर सकूं, काफ़ी कुछ नया मुझे भी सीखने को मिलता है। धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद सुजीत, मंगलेश यादव 2L, वेरी गुड, संजय वेरी गुड, प्रदीप्ता चटर्जी वेरी गुड, धीरज सिंह 2L, वेरी गुड। अब जो है ये वीडियो का अंतिम सवाल था, विक्रम सिंह वेरी गुड, सुजय वेरी गुड, धीरज वेरी गुड, सारे लोग वेरी गुड, प्रदीप्ता चटर्जी वेरी गुड 2L, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं जो भी जुड़े हैं। अभी हमारे पास 100 मेंबर नहीं हुए हैं, लगभग 88-90 तक मेंबर जुड़े यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से और आशा करूँगा कि आगे भी मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए जो है यह कार्य करता रहूँगा। मालेश्वर भी सर दूसरी, छत्रपाल सिंह दूसरी बुक भेजने वाले थे, आई नहीं अब तक। अच्छा, छत्रपाल जी जो है ये दूसरी जो है आप बोल रहे हैं बुक, ये बुक अब नहीं आएगी क्योंकि अब इसी लाइव क्लास में दूसरी बुक के सारे कंटेंट कवर किए जाएंगे। तो आप जुड़ गए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा है, आपको वो सारी चीजें आसानी से यहाँ मिल जाएगी। उत्तम कुमार 2R, चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सारे लोग मालेश्वर भी 2R करेक्ट कर दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आप ये बहुत पीछे का आंसर दे रहे हैं मालेश्वर जी, आप अगला ये मालेश्वर अगले सवाल का। मुकुंद कुमार सिंह सर क्लास डेली होगा, क्लास जब भी होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगा, आपको पता है कि मैं क्लास कब लेता हूँ, ये सबसे छुपा नहीं है, मैं समय निकालता हूँ उसके बाद जो है क्लास होती है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, पहले आपको सूचना दे दी जाएगी उसके बाद ही क्लास होगी। चलिए क्लास का टाइम, विक्रम सिंह आप मेरे साथ ज्वाइन बटन से जुड़िए, आपको नोटिफिकेशन क्लास का चला जाएगा, जब भी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। सुजय थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। सुजय क्लोज्ड एंड ओपन अरेस्ट EL, वेरी गुड, बहुत सुंदर ट्रिक आप याद रखें, एक ट्रिक आपको यहां से मिल गया है, सभी लोग याद रखिए कि क्लोज एंड ओपन अरेस्ट जो है वो EL में है। अभी मैं थोड़ा सा दिक्कत यह महसूस कर रहा हूं कि मैं इस स्क्रीन पे लिख नहीं पा रहा हूं दोस्तों किसी चीज़ को, क्योंकि मेरे पास पेन टैब अभी उपलब्ध नहीं है, तो जल्दी पेन टैब मैं उपलब्ध कर लूँगा, अरेंज कर लूँगा, तो उसके बाद जो है इस पर मैं लिख करके मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, तो थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा होगा। वैसे मैं लाइव आने की सोच रहा था और वो लाइव में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, फिर मैं आपको ज्वाइन बटन पर फोन पे से कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा।
सुजय लाइव क्लास का टाइम फिक्स कर दे सर। फिक्स कैसे कर दे भाई? सुजय आपको पता है कि क्लास मैं कैसे अरेंज करता हूँ, सभी लोगों को पता है ये क्लासेस कैसे अरेंज होती है। तो जब भी क्लासेज होगी या तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी या तो आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी। वेरी गुड, चलिए फटाफट बताइए इस वीडियो के बारे में आप लोग, फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम लोगों ने किया है, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक करिए, फटाफट वीडियो को लाइक करिए। मोहन लाल शरण वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुकुंद वेरी नाइस सर, बहुत थैंक यू बहुत अच्छा सर। मंडल बहुत अच्छे, कथक बहुत अच्छे, वेरी गुड। श्रीमान जी ड्यूटी पर लाइव क्लास अटेंड नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, आप बाद में इसे अपलोड कर सकते हैं मीना जी, क्योंकि ये लाइव क्लास फिर रिकॉर्डेड में भी रहेगा और आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत अच्छा लगा भागवत साहब, वेरी गुड। आप लोग जो जितने लोग आज जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, उन्हें बताइए कि सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है। गुड वेरी गुड वेंकटेश वेरी गुड, थैंक यू सो मच सभी को। ये उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा। असलम बहुत थैंक यू पीयूष सिन्हा, बहुत ही सराहनीय सर, आप हम लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। अरे पीयूष, एक उत्साह है, एक एनर्जी आप ही लोगों से मिलती है इसलिए मैं निकालता हूँ। कथक नंद किशोर कथक थैंक यू, ध्रुवा पटेल थैंक यू, देवी चरण सर टाइम कोई भी हो बस सर कोर्स पूरा करा देना। देवी चरण हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उससे ज्यादा चिंता मुझे आपकी है, आपकी चिंता है, इस कारण से मैं देखिए कितने तरीके का तिगड़म लगा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मैं उन लोगों को फिल्टर आउट कर सकूं कि जो 72 रूल में या 70 रूल के तहत बैठने वाले हैं, अगर वो फिल्टर आउट हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छे से होगा। छत्रपाल सिंह ने कमेंट किया है अदर माइनर एक्ट का भी कोर्स दीजिए, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग सर। और किसी ने कमेंट किया है रीजनिंग पढ़ाओगे क्या सर? छत्रपाल जी आप रीजनिंग के लिए AIC पूर्णिया यूट्यूब चैनल मेरा है, वहां पर मेरे